समलिंगी आसक्ति होमोसेक्सुअलिटी यह बीमारी नहीं है मगर यह प्रॉब्लम हो सकता है लोगों के लिए, और उसकी जानकारी देने के लिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तकनीक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। 1973 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने होमोसेक्सुअलिटी यह डिसऑर्डर डायग्नोसिस में से निकाल दिया, और 1980 में डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल DSM की जो आवृत्ति आई 1980 में, उन्होंने उसमें से होमोसेक्सुअलिटी यह बीमारी है वो निकाल दिया 1980 में। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस जो है उनके 10th रिवीजन 10वीं एडिशन जो थी उसमें से उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी निकाल दी। और हमारे देश में अभी तक होमोसेक्सुअलिटी यह बीमारी है और यह ऑफेंस माना जाता था, और कुछ महीने पहले ही होमोसेक्सुअलिटी यह नॉर्मल एक्सप्रेशन है सेक्स का यह कहकर हमारे यहाँ कोर्ट ने उसको अभी यह क्रिमिनल ऑफेंस है या ऑफेंस है ऐसा नहीं माना और यह नॉर्मल कहा, क्योंकि यह सेक्सुअल एक्सप्रेशन यह नॉर्मल है। होमोसेक्सुअलिटी 2-4% लोग होमोसेक्सुअल रहते और उनका वो एक्सप्रेशन है, उसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल तब है जब उनको ऐसा लगता है कि मैं उसमें खुश नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता नहीं हूं। काफी सारे लड़के मेरे पास में आते हैं कि अभी उनकी उम्र 22 से 28 साल है, घर से बहुत प्रेशर हो रहा है कि अभी उन्होंने शादी करना चाहिए, लड़की देखना चालू है, उनको लड़की के प्रति आकर्षण नहीं है, लड़कों के प्रति आकर्षण है। जब उनको पूछते हैं कि भाई आपने कभी सेक्स किया है, तो नहीं वो सेक्स नहीं किया बोलते, मगर मुझे आकर्षण है, मुझे अच्छा लगता है लड़कों के साथ में रहना, को मतलब हक करना, आलिंगन देना, हाथ में हाथ डाल के घूमना, उनको अच्छा लगता है उनके साथ में रहना, पढ़ाई करना, खाना खाना ऐसा, और वो एंजॉय करते हैं। फिर कुछ लोग जो है कि जिनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, उनको वही जीवन जीना है, तो फिर वो कर सकते हैं, वो कभी हमारे पास में आते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने लड़कों के साथ में मतलब सेम सेक्स के साथ में शादी करना है, जैसा गे पीपल है उनकी कम्युनिटी अलग है, वो उनके मेल टू मेल रहते हैं, वो फीमेल टू फीमेल जो है वो लेस्बियन बोलते हैं उनको, लेस्बियन मतलब लड़की का लड़की के प्रति आकर्षण और उनका उनके तरफ लगा। वो दो लड़कियां साथ साथ में रह सकती है, वो प्यार करती है, शादी भी कर सकती है, लड़के भी आपस में रहते हैं शादी कर लेते हैं, और वो नॉर्मल एक्सप्रेशन है उनका, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो कुछ हमारे पास में आते नहीं, आते वो है कि जिनको घर से प्रेशर है उनको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, घर से प्रेशर है शादी करो, उनको ऐसा लगता है कि मैंने कभी सेक्स नहीं किया हुआ है और मैंने अभी शादी करके मेरा जीवन अच्छा जीने का है पत्नी के साथ में, और फिर वो हमारे पास में आते हैं, उनका इलाज हम करते। बाकी बहुत सारे ऐसे होमोसेक्सुअल है कि वो आते भी नहीं है, वो एंजॉय करते रहते, उनको शादी भी करने की नहीं लड़की के साथ में, उनको लड़के के साथ में रहना पसंद है, वो बराबर एक दूसरे को इशारे इशारे में मालूम कर लेते कि कौन होमोसेक्सुअल है। वो कहीं भी भीड़ में जाएंगे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, या कहीं भी जाते तो उनको मालूम होता है कि कौन होमोसेक्सुअल है, और वो बराबर रह लेते हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से ऐसे उनके मैसेजेस जाते हैं कि जिनसे उनको मालूम पड़ता है कि ये होमोसेक्सुअल है, और वो आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं और वो सेक्स करते हैं, और वो कभी किसी के पास में जाते नहीं, इलाज भी नहीं करते, तो उनका प्रॉब्लम ही नहीं। घर के लोग जब उनको प्रेशर करते हैं इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर टसल हो जाता है, और फिर वो बोलते कि नहीं हमको घर में रहना ही नहीं है। घर के लोग बोलते नहीं अभी ये करने का नहीं है आपने, आप इसमें से निकल जाओ बाहर। बोलता नहीं मेरे को तो लड़के के साथ में प्यार है और मुझे उसके साथ में शादी करना है और उनके साथ में रहूंगा। तो हम एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए सेक्स स्पेशलिस्ट, मैं उनमें फर्क डाल सकता हूँ कि जो लोग खुद होके हमारे पास में आते हैं, खुद होके बोलते कि नहीं मुझे इंटरेस्ट अभी लड़कों में नहीं रखने का है, मुझे लगाव है, कभी सेक्स किया नहीं है, या कभी एक दो बार सेक्स भी किया है, रहे भी साथ में, मगर अभी मुझे लड़की के साथ में जीवन बिताना है और शादी करना है, फिर हम उनको इलाज अलग 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 तरीके से कर सकते हैं। उनको काउंसलिंग करता हूँ, उनको विजुअलाइजेशन के माध्यम से, सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से, हिप्नोथेरेपी देके, कुछ मेडिसिन मैं देता हूँ उनको कि जिसके वजह से उनको एक जो लगाव है और जो बार 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 सेम सेक्स के विचार आते हैं वो निकल जाएंगे, तो कुछ मेडिसिन भी देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ मैं, इमेजिनेशन करने की एक्सरसाइजेस, और वो करके 4-6 महीने के अंदर वो धीरे 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 वो रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं अभी मुझे वो इच्छा कम हो रही है और मैं भी शादी कर सकता हूँ, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। घर के लोग भी आके धन्यवाद देते हैं कि नहीं नहीं अच्छा हो गया डॉक्टर साहब, आपके पास में हमने लाया, हम भाई हमारा लड़का बोल रहा है कि हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ, और वो शादी भी कर लेते हैं। तो वो जो लोग हैं उनमें हम फर्क डाल सकते हैं, जो बायसेक्सुअल है और जो लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा 2-4% लोग हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में लोग हैं। कितने सारे फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं रोज कि भाई मुझे इसमें से बाहर निकलने का है। वो लोग हमारे पास में आते हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग करते हैं, हमारे यहाँ के चेक कर लेते हैं खुद को कि भाई मैं बायसेक्सुअल हूँ कि नहीं हूँ, या हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, और अपना अपना इलाज करके अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि लोग ओपनली बोलते नहीं बाहर, और ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को आप शेयर करेंगे, पास ऑन करेंगे। पता नहीं कि आप जिसको देंगे ये पास ऑन करेंगे उसको लगा होगा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा काम आप कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।